Amazon प्राइम वीडियो की मच अवेटेड वेब सीरीज तांडव आज यानी 15 जनवरी को रिलीज हो गई है। रिलीज होने के बाद भी तांडव को फैंस का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। आइए आज आपकी खास मुलाकात करवाते हैं एक्ट्रेस सोनाली नागरानी से, जिनका तांडव में अहम किरदार है, और उनसे जानते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ बातें। सोनाली, तांडव जो है वो पॉलिटिकल ड्रामा है, राजनीति के बारे में इस शो में बताया जा रहा है, इस सीरीज में बताया जा रहा है। आपका कैरेक्टर इसमें क्या है? अदिति मिश्रा एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स की फर्स्ट फाइटर जेट पायलट वुमन रह चुकी है। Okay. और फिर आते हैं समर उनकी लाइफ में, जो सैफ अली खान प्ले कर रहे हैं, और वो उनको एयरफोर्स से बाहर निकालकर पॉलिटिक्स की दुनिया में ले आते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अदिति और समर का जो एक लॉयल्टी वाला रिलेशनशिप है, क्योंकि वो उनको पॉलिटिक्स में, अदिति को पॉलिटिक्स में लेके आए हैं। किस्सा ये हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, अनुराधा डिंपल मैम या फिर समर सैफ अली खान। जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कैबिनेट उसी के हिसाब से बनेगा, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं ही उतने, तो कौन सी मिनिस्ट्री किसको मिलेगी, कौन कहाँ किसके पास जाएगा, इधर जाएंगे, इस कैंप में जाएंगे, इस कैंप में जाएंगे, वहां पे मेरा रोल आता है कि आई एम गोइंग इन विच कैंप एंड विच कैबिनेट। ओके। एक चीज और है सोनाली, बोला जाता है कि एक देश को चलाने के लिए राजनीति बहुत जरूरी होती है, और ऐसा ही एक लाइन कुछ टीजर में भी बोला गया है, तो आप बताइए आप इस बात को कितना, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में, क्या कितने मायने रखते हैं, क्या ये वाकई ऐसा होता है? मतलब डेफिनेटली होता है, क्या सहमत हूँ इससे, नहीं, बट हाँ ऐसा हो गया है, विच इज वाई आई वॉन्ट मोर वुमेन इन पॉलिटिक्स। Okay. Because जब तक it's a male dominated world of politics, it's going to have a different style of operation. जो औरतें हैं उनका style of politics थोड़ा अलग होता है, वो पीछे से चुपचाप गेम खेलती हैं। आदमी लोग शोर शाह करके, खून खराबा करके गेम खेलते हैं। तो आई थिंक वुमन स्टाइल विल ब्रिंग इन, जो आप जो बोल रहे हैं ना, जो अनप्लेजेंट राजनीति जो होती है, जो डर्टी राजनीति जो होती है, I have a very strong feeling that women can change that. Okay. अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ नेताओं की वजह से सभी बदनाम होते हैं, तो ये जो चीज है, ये क्या क्या लगता है आपको सोनाली, कैसे, मतलब आने वाले टाइम में कैसे ये खत्म हो सकती है, या होगी भी कि नहीं होगी, इसे आप कैसे देखती हैं? कुछ लोगों के, चंद लोगों की वजह से पूरी राजनीति बदनाम है। अब वो तो कोई स्कूल में कोई एक बुरा केस हो जाता है, स्कूल का नाम बदनाम हो जाता है। सच इज लाइफ, नाउ व्हाट यू डू, बट यू कैन नॉट बी अ बटरफ्लाई, इनोसेंट बटरफ्लाई इन पॉलिटिक्स। वो तो मतलब इट इज अ टफ वर्ल्ड, एंड आप बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हो लाइफ में, तो वो मतलब, एंड ऐसा कोई डिसीजन नहीं है जो आप लोगे लाइफ में एज अ पॉलिटिशियन जिससे सब खुश रहेंगे। आप एक को खुश करोगे तो 100 लोग ना खुश होंगे, तो जूते तो पड़ने ही पड़ने हैं, थैंक यू तो कोई बोलने वाला है ही नहीं वैसे भी राजनीति में। तो इट्स अ थिक स्किन जॉब, इट इज नॉट अ सॉफ्ट हार्टेड पर्सन्स जॉब। बट इस शो में जो औरतों का जो रोल है, वो बहुत ही साइलेंट वॉरियर्स हैं, और वो पीछे से अपना गेम खेल रही हैं, एंड बट दे हैव टू मेक इट लुक लाइक दैट दे नीड द मैन सपोर्ट to go ahead in their careers. They're all very ambitious women in this show. Okay. And दूसरी अच्छी बात इस शो के ये है कि जो औरतें हैं, जो politicians खेल रही हैं शो roles खेल निभा रही हैं शो में, वो they're strong women, and वो man's world में हैं, लेकिन वो मर्द नहीं बन रहे हैं in a man's world. They're retaining, they're staying feminine women. They're staying as strong, beautiful women. They're not trying to become men in a man's world. Okay. So which I for me was a very exciting proposition. Because and I'm wearing floral sarees in the show. You know, you don't see that. You don't see female politicians. They wear sarees, but there's it's a certain kind of a saree only. You know. Correct. So it was a breath of fresh air to see. Wow, I'm a woman. Why am I hiding the beauty of a woman just because I'm in politics? Correct. So I really like that about this the way this was conceptualized.